हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैंने आपको मैक्रम से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर की चेन होल्डर बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये कॉर्ड लिया हुआ है येलो कलर का। ये जो रिंग है ये मेरा 2 इंच का रिंग है, 2 इंचेस रिंग है ये। और इसके आधारित में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 3.5 का कॉर्ड, सॉरी 3.5 cm का कॉर्ड, जो कि आपको ये की चेन बनाने में इजी रहेगा। यहाँ पर मैंने 4 लिया हुआ है येलो कलर का, और इसमें मैंने दूसरा कलर भी यूज़ करने वाली हूँ, डबल कलर का। जो ये देखिए मेरा, ये एक डार्क पिंक कलर का एक मैक्रम है, जो कि इस ये भी सेम साइज़ का है। देखिए ये सेम साइज़ का मैंने टोटल 8 कॉर्ड्स रेडी किया हुआ है। अभी यहाँ पर हम बेड्स डालेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, और अपने हिसाब से आप जैसा कलर हो या जैसे भी डिज़ाइन का हो, आप यहाँ पर ये जो बिट्स है इसको आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल सा नॉट नॉट ए फर्स्ट लेफ्ट साइड में मैंने लिया हुआ था, अभी यहाँ पर मैंने राइट साइड में लिया है। इस तरह आपको नॉट लगाते जाना है। ये देखिए, फिर हम यहाँ पर बीच में भी यही फिर से डालेंगे बिट्स, इसी तरह कंटिन्यू बनेगा। देखिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 बीट्स यहाँ पर लगा लिए हैं। अभी हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, कंटिन्यूसली हम नॉट लगाते जाएंगे यहाँ पर, इसी तरह आपको नॉट लगाते जाना है। देखिए पहले राइट साइड लेंगे, फिर लेफ्ट साइड से धागा निकालेंगे, आपको इस तरह नॉट बनाते जाना है। देखिए कुछ इस तरह ये बन के रेडी होके जाएगा। फिर से राइट साइड लेंगे, फिर से ये नॉट फिर से लगाएंगे। अभी हम लेफ्ट साइड से लेंगे धागा, ये देखिए कुछ इस तरह ये बन के रेडी होता जाएगा। मैं बनाते जा रही हूँ, देखिए। देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पर मैंने 8 नॉट लगाया है। 8 नॉट लगाकर इसको हम यहाँ पर इस तरह
बंद करेंगे। फिर ये दूसरे साइड में भी ये जैसे जैसे बनाया था सेम इसी तरह दूसरे पिंक कलर में भी आपको बनाते जाना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने बना के रेडी कर लिया है। अभी हम येलो कलर का जो है ना, उसमें हम फिर से सेम उसी प्रोसीजर में ही आपको नॉट्स लगाते जाना है। लेफ्ट से फर्स्ट लेंगे, यहाँ पर ये बन गया नॉट, फिर हम राइट से लेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये नॉट ऐसे ठीक से नहीं बना तो डिज़ाइन बहुत ही सुंदर नहीं लगता है। आप के हिसाब से ये आपको बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह आपको पूरा बनाते जाना है। ये देखिए दोस्तों, मेरा जो येलो कलर का ये जो है ना, ये मैंने टोटल वहाँ पर ये पिंक कलर का 8 लिया था तो इसमें मैंने 14 बनाया हुआ है, 14 नॉट लगाया हुआ है। 14 नॉट के बाद ये दोनों येलो 14 नॉट्स में बनाया है मैंने। फिर मैंने यहाँ पर दूसरा कलर का फिर से बीट्स लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप इसको ये देखिए कुछ इस तरह आपको बनाना है। ये देखिए यहाँ पर आप इसको आराम से बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर में ही आपको नॉट्स लगाना है दोस्तों। देखिए मैं बना रही हूँ, आप देखते जाइए। ये देखिए मैंने यहाँ पर बीच में नॉट ब्रिड्स लगा दिए। फिर हम जो 18 का येलो कलर का बनाए थे, हम इसको इसी तरह से फिर से यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए दूसरा कलर का मैंने ब्रिड्स लगा के इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। फिर सेम प्रोसीजर में हम यहाँ पर भी 3 ब्रिड्स, जैसे पिंक कलर में लगाया ना वैसे ही 3 ब्रिड्स हम इसको लगाएंगे। Thank you.
ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये बन के रेडी हो गया। ये 3 मिनट से फिर हमें येलो कलर का जो कॉर्ड्स है इसको साइड करके पिंक में हम नॉट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम उसी प्रोसीजर में ही आपको नॉट्स लगाते जाना है दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह ये बन के रेडी हो जाएगा। आप देखते जाइए मैं नॉट्स, ये डिज़ाइन इतना सिंपल है दोस्तों, इसको आराम से आप बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके पास जो बेल बटन है उसका जो ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे तो ही मेरा वीडियोस आप तक पहुंचेगा। प्लीज़ बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जो कि आपको वीडियोस जल्द आपको पहले पहुंच जाएगा। इसी तरह आपको नॉट लगाते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक वीडियो कैसा बना है एक लाइक कर दीजिए, और ये डिज़ाइन कैसा बना है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताना दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह ये बन के रेडी होगा। फिर से मैं जैसे येलो कलर का 14 बनाया था ना, इसमें भी आपको 14 नॉट्स लगाना है। येल्लो कलर का जो 14 था, फिर ये देखिए कुछ इस तरह ये फिर से आएगा। यहाँ पर हम इसको फिर से यहाँ पर जोड़ेंगे बीड्स के साथ। बीड्स के साथ जोड़ने के बाद फिर से जैसे पहले प्रोसीजर में मैंने बताया हुआ था उसी प्रोसीजर में ही ये फिर से आपको बनाते जाना है। ये देखिए पिंक कलर का मैंने साइड करके अब येलो में मैं नॉट्स लगाना स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी आप इसको इसी तरह फिर से नॉट्स लगा के रेडी करेंगे। देखिए कुछ इस तरह ये बन के रेडी हो जाएगा। मैं बना रही हूँ, आप देखते जाइए। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह ये बन के रेडी होगा। फिर से हमें इसी तरह फिर से आपको बनाना है। ये देखिए
18 का जो, सॉरी 14 का जो आप नॉट्स लगाएंगे उसको हम इस तरह ऊपर नीचे करके बिट्स डाल के इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पर ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर हम ये जो येल्लो कलर का जो कॉर्ड्स है इसमें ओनली हम 8 नॉट से लगाए। 8 नॉट के बाद हम यहाँ पर एक बिट्स डाले हैं और ये बिट्स के बाद हम फिर से यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह नॉट लगाते हुए हम यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से बिट्स लगाने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर एक सिंपल सा नॉट लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह ये बनेगा। फिर हम यहाँ पर एक से ऐसे एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह हो गया। फिर हम ये जो पिंक कलर का जो कॉर्ड है और ये येलो कलर का कॉर्ड जो है इसमें हम इसको नॉट लगाते जाएंगे, इसको हम अभी जोड़ते जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक नॉट लगाते जाऊँगी और अब देखिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह ये नॉट्स लगेगा। फिर हम इसको डिक्रीज घटाते हुए हम इसको नॉट्स लगाते जाएंगे, जैसे कि लास्ट में आपको सिंगल नॉट बनेगा जो कि ये आपका आखिरी स्टेप होगा।
देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम घटाते हुए बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर इसको हर एक कॉर्ड लास्ट वाले कॉर्ड जो है उसको हम लेके यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे उसको, जो कि ये आपका लास्ट डिज़ाइन बनेगा। हर किसी में आप इसको पाइपिंग बना के बनाते जाना है आपको। देखिए मैं बना रही हूँ, देखिए कुछ इस तरह ये पाइपिंग बनेगा। ये देखिए मैंने दोनों साइड में पाइपिंग बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह ही पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगा। फिर ये जो बचा हुआ धागा है, ये जो बचा हुआ कॉर्ड से हम इसको काट के लास्ट में हम बेल और बाकी का जो डिज़ाइन है हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। हम इसको यहाँ पर काटेंगे, छोटे छोटे पीस में काट कर हम इसको कॉर्ड्स ये सॉरी बिट्स लगाएंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों मैं बना रही हूँ। अभी ये सब आप अपने पसंद के कलर में बना सकते हैं, आप अपने पसंद का आप बना सकते हैं इसको,
जो भी हो आप अपने पसंद का लेकर, यहाँ पर बेल हो या कुछ भी बेड्स हो, आप अपने पसंद के कलर आप लगा सकते हैं इसमें। देखिए कुछ इस तरह हम इसको जोड़ेंगे लाइटर के मदद से, तो यहाँ पर इस तरह हम जोड़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह ये बनेगा, ये हो गया यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर जो पहले जो 2 इंच का रिंग लिया हुआ था ना, उस रिंग को हम अभी कवर करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह ये बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी हम ये जो रिंग है इसको हम कवर करेंगे। ये देखिए येलो कलर का धागा, जो इसमें से ही बचा हुआ धागा था, मैंने इस तरह यहाँ पर इसको नॉट लगाते जाऊँगी। आप देखिए ये देखिए कुछ इस तरह ये नॉट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करके हम इसको नॉट्स लगाते जाएंगे। देखिए दोस्तों मैं बना रही हूँ, आप देखते जाइए। ये देखिए हम यहाँ पर इसको लाइटर के मदद से इसको चिपका देंगे। ये इस तरह ये बन के रेडी हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह ये बनेगा। फिर हम यहाँ पर की जो हैंगर करेंगे इसको, ये देखिए इस तरह का रिंग जो है हम इसमें लगाएंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह मैंने टोटल 5 रिंग्स लगाए हैं, जो कि आपको कीस होल्ड करने के लिए ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बनता है। दोस्तों आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। ये देखिए कुछ इस तरह ये हम लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये बन के इस तरह रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मेरा की होल्डर कुछ इस तरह ये बन के रेडी हो जाएगा। चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ इस तरह ये बन के रेडी होगा दोस्तों, आप देखिएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।